जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो जगन्नाथ जी साल में 15 दिनों तक बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों की बीमारी के बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। जी हां दोस्तों, ये सच है, जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए साल में एक बार 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और फिर निकाली जाती है बड़ी धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों पड़ जाते हैं श्री जगन्नाथ भगवान हर वर्ष बीमार? तो आइए इसके पीछे जो रोचक घटना है, जो रोचक कहानी है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहा करते थे, श्री माधव दास जी। आपने नाम सुना होगा, माधव दास जी जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त थे। तो माधव दास जी जगन्नाथपुरी में रहते थे और माधव दास जी अकेले ही रहते थे, उनका संसार में कोई नहीं था, ना ही उन्हें संसार से कोई लेना देना था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे, नित्य प्रति जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया करते थे और उन्हीं को अपना सखा दोस्त सब कुछ उन्हीं को मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे और प्रभु भी अपने भक्त के साथ अनेक प्रकार की लीलाएँ किया करते थे। भगवान जगन्नाथ प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। अब एक बार की बात है, माधव दास जी को उल्टी दस्त हो गए। उल्टी दस्त के चलते वो इतने कमज़ोर हो गए, इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ भी नहीं सकते थे। पर उनका तो इस संसार में प्रभु के अलावा कोई था नहीं, लेकिन अपनी बीमारी के चलते भी माधव दास जी अपना स्वयं का कार्य खुद ही किया करते थे, सेवा किसी से लेते नहीं थे। कोई भी कहे महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहते नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। अब ऐसी स्थिति में वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, तो कोई उनकी सेवा नहीं करता, इलाज नहीं कराते थे, बीमार चल रहे थे। तो बरोबर बीमारी के चलते उनका रोग धीरे धीरे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, उठा बैठा भी नहीं जाता था उनसे। और भगवान ने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया। अब चूंकि उनका रोग इतना बढ़ गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब मल मूत्र का त्याग कर देते थे, लेटे रहते थे, वस्त्र गंदे हो जाते थे। अब वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सके जितनी जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास जी की करी है। भक्त माधव दास जी पर प्रभु का स्नेह इतना था कि बस पूछो मत। प्रभु की सेवा से माधव दास जी को एक दिन होश आया तो उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने पूछ लिया प्रभु से, हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग आप क्षण भर में दूर कर सकते थे, और रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। तो ठाकुर जी कहते हैं, हाँ ये तो है, लेकिन देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता है और इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है, अगर उसे इस जन्म में नहीं काटोगे तो अगले जन्म में भोगना होगा, उसके लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े, और इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात को मैं टाल नहीं सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे, मैं भुगतूंगा। और 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने स्वयं माधव दास जी से ले लिया और आज भी इसीलिए जगन्नाथ भगवान हो जाते हैं बीमार। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्त वत्सल को देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिनों के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिनों के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है, कभी भी भगवान जगन्नाथ की रसोई बंद नहीं होती है, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई को भी बंद कर दिया जाता है। प्रभु के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भक्त अपने प्रभु को बीमार मानकर
एक नन्हे शिशु के भांति उनकी सेवा करते हैं। और फिर लगाया जाता है प्रभु के कई प्रकार के काढ़ों का, आयुर्वेदिक काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन भगवान जगन्नाथ को काढ़ों का ही भोग लगता है और इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ों का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वेदराज भी आते हैं। काढ़ों के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिनों तक पट भी बंद कर दिए जाते हैं। उनकी सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे तो सिर्फ मेरे भगवान ही हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ जी। तो ये थी भगवान जगन्नाथ जी के बीमार हो जाने की एक कहानी, जो आज भी सत्य है। आज भी 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ जी बीमार होते हैं और उनके पट बंद कर दिए जाते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जगन्नाथ भगवान।